नमस्कार। आजकल भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद इंडिया दैट इज भारत पर बहस चल रही है। जिसे देखिए वह इस होड़ में लगा है कि वह भारत कहे या इंडिया कहे। अरे भैया, आप तो इस देश की संस्कृति को जीने वाले हैं, परंपरा को जीने वाले हैं। एक बार कभी सोच कर देखा कि इस देश में आपके समान रहने वाली महिला अपने विवाह के बाद अपना नाम तक खो देती है। अगर उसकी शादी विक्टर से हुई है तो वह मिसेज विक्टर कहलाने लगती है, अब्दुल्ला से हुई है तो वह मिस्टर अब्दुल्ला कहलाने लगती है, और अगर सुरेश से हुई है तो मिस्टर सुरेश कहलाने लगती है। उसको कोई सुलेखा, जुलेखा, राखी, कांति के नाम से जानता ही नहीं है। क्या उस महिला को देश के संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है, या अपने नाम को भूल जाने का ही अधिकार है? क्या आपने कभी प्रयास किया? आप कहेंगे नहीं, अब ऐसा नहीं है। अभी भी 90% जनसंख्या में यही हो रहा है कि औरत अपने नाम से जानी ही नहीं जाती शादी के बाद। आप इतनी शिद्दत से कभी उसके लिए नहीं लड़े, नारी के अस्तित्व, नारी की समाज में भूमिका के लिए नहीं लड़े, लेकिन आप भारत के नाम, इंडिया के नाम के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में भारत की स्थापना हो तो आप